हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कल्पना। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल के एस किचन में। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। चलिए शुरू करते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिया है, 5-6 कम टमाटर हैं, 6-7 कलियां लहसुन की हैं और 8-10 हरी मिर्च हैं और अदरक और हरी धनिया मैंने पीस ली है। बैंगन में मैं ऐसे चीरा लगा के इसमें लहसुन कलियाँ भर दी हैं, एक एक कलियाँ सभी जगह भर दी है मैंने। अब इसको ये कंडे पे इसमें सेकने के लिए रख देंगे। इसी के साथ ये टमाटर भी डाल देंगे, सभी टमाटर को इसमें भूनने के लिए डाल देंगे और इनको थोड़ी थोड़ी देर में पलटते हुए इनको भून लेंगे अच्छी तरह। बैंगन को मैंने भून लिया है अच्छी तरह, देखिए कंडे में भून गया है और ये बिल्कुल नरम हो गया है। 5-10 मिनट लगे इसको। अब इसमें पानी में इसको डाल देंगे ठंडा करने के लिए। ये टमाटर भी देखिए अच्छी तरह भून गए हैं। अब ये ठंडा होने तक इसमें पानी में रखेंगे, फिर इसको छील लेंगे। जार में मैंने टमाटर डाल लिए, हरी मिर्च डाली है और ये अदरक और हरी धनिया है, इसको मैंने पहले पीस लिया था। अब इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे और ये बैंगन है इसको मैंने मिस लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इसको मिक्सी में बैंगन को सिलबट्टे में पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मिक्सी की जार में पीसेंगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाता है, इसलिए सिलबट्टे में पीसने से इसका अच्छी तरह पिसता है, ये ना ज़्यादा बारीक होता है। जार में मिक्सी के जार में तो बिल्कुल पतला हो जाता है, इसलिए इसको हम सिलबट्टे में पीस रहे हैं। इसी तरह पूरा पीस लेंगे, देखिए कितना बढ़िया पिस गया है, अच्छी तरह भुंजा है बैंगन, इसलिए थोड़ा जल्दी पिस गया है। बैंगन को मैंने ये पीस लिया था, ये देखिए अच्छा पिसा है। और ये टमाटर, हरी धनिया और हरी मिर्च और अदरक ये सब पीस लिया मैंने, इसे मिक्स कर लिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसी में मैंने नमक डाल दिया था, इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। और ये मैंने टमाटर का रस निकाला था, इसको मैं बाद में डालती हूँ, इससे कलर अच्छा आता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब इसको सर्व करेंगे, इसको हम बाउल में सर्व करेंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट करें।